दोस्तों एक बार की बात है, एक सेठ जी के पास अपार संपत्ति थी। उन्हें इस बात का काफी संतोष भी था। किंतु एक बार सेठ जी यूं ही बैठे बैठे हिसाब लगा रहे थे तो उनकी रातों की नींद उड़ गई। हुआ यूं कि उन्होंने हिसाब लगाकर देखा तो पता चला कि उनकी संपत्ति स्वयं उनके लिए और उनके बच्चों के लिए ही पर्याप्त होगी, लेकिन उनके बच्चों के लिए कम पड़ जाएगी। अब सेठ जी गहन चिंता में पड़ गए। उन्हीं दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके नगर में आए। अब स्वामी जी की ख्याति से सेठ जी सुपरिचित थे, इसीलिए वे अपनी समस्या लेकर स्वामी जी के पास गए और उनसे निवेदन किया, महाराज मुझे ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पास इतनी संपत्ति हो कि मैं भोगूं, मेरे बच्चे भोगें, उनके बच्चे भोगें और वह कभी समाप्त ना हो। अब परमहंस बोले, ऐसा ही होगा। तुम्हारे घर के पास जीर्ण क्षीण झोपड़ी में एक परिवार रहता है। कल उनको एक दिन के खाने के लिए जितना आटा दाल घी दे सकते हो दे आना। बस ऐसा करने से तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सेठ जी की खुशी का ठिकाना न रहा। इतने छोटे से काम से एक बड़ा काम सधने जो जा रहा था। उनकी रात आंखों ही आंखों में कटी। सवेरा होते ही वे आटा दाल घी आदि सामान लेकर झोपड़ी में पहुंचे। वहां देखा कि नेत्रहीन सास बांस की टोकरी बना रही थी और बहू कंडे बना रही थी ताकि बाजार में इस सामान को बेचकर कमाई की जा सके। सेठ जी ने बहू से कहा, ये लो बेटी, तुम्हारे लिए आटा दाल घी लाया हूं। बहू ने विनम्रता से जवाब दिया, हमें नहीं चाहिए सेठ जी, हमारे पास आज के खाने के लिए पर्याप्त खाना है। सेठ जी बोले, तो क्या हुआ, यह सामान कल काम आ जाएगा। बहू ने उत्तर दिया, हम अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करते, हम रोज मेहनत करते हैं और उसी से भगवान हमें रोज रोटी देता है। सेठ जी निरुत्तर हुए और शर्मसार भी। उन्होंने सोचा कि एक ओर ये लोग हैं जो कल की भी चिंता नहीं करते और दूसरी ओर मैं हूं जो बच्चों की चिंता में घुला जा रहा हूं। सेठ जी ने परमहंस को मन ही मन प्रणाम किया और फिर कभी धन की लालसा नहीं की। तो प्यारे साथियों, अधिकाधिक संग्रह की चिंता मानसिक शांति छीन लेती है। संग्रह करना अच्छा है, किंतु उतना ही जितने से निश्चिंत जीवन जिया जा सके। तो प्यारे साथियों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।